हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं इग्नाइट कैस्कर्ट, जिसे आप पहन सकते हैं किसी भी लहंगे के साथ या फ्रॉक सूट के साथ अमेजिंग दिखाने के लिए। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को पूरा देख ले। सबसे पहले हमें लेना है इसके लिए फैब्रिक। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया कॉटन का, एंड ये मैंने 15 मीटर लिया है नेट, एंड ये मैंने कैनका लिया है। इसे मैं यूज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसको ले लिया था मार्केट से। तो ये सबसे पहले हम फोल्ड कर लेंगे इसको, फैब्रिक को। ये फैब्रिक हमारा 2 लेयर में है। अब इसको हम इस तरह से, इसको मैंने इस तरह से रखा है। अब हम इसमें कमर का मेजरमेंट लेंगे। मेरे मेजरमेंट से कमर था 32 इंचेस, तो इसमें हम 4 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसको हम 4 लेयर में कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक को हमें 4 लेयर में रखा है। तो इस इंची टेप को हम इस तरह से 4 लेयर में करेंगे, इस तरह से। ये हमारा हो रहा है 9 इंचेस। आप चाहें तो नॉर्मल 9 इंचेस लगा सकते हैं, क्योंकि 36 का 1/4 भाग 9 इंचेस होगा। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इजी तरीके से मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर हम 8 इंचेस पर निशान लगाएंगे, इस तरह से 8 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। ऊपर से ये आ रहा है 11 इंचेस पर, यहाँ से भी 11 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। अब इसको इस तरह से गोलाई कर देंगे। अब इस गोलाई को हम मेजर करेंगे, यहां से राउंड करेंगे तो ये 9 इंचेस आ जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर की साइड 2 इंचेस लीप कर देंगे। फुल लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे मेजरमेंट से मैंने लिया था 32 इंचेस, इसमें 2 इंचेस ऐड कर दिया है मैंने, 34 इंचेस मैंने लिया है इसकी लेंथ। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले सकते हैं। तो 2 इंचेस ऊपर की साइड लीप करते हुए उसके आगे से हमें फुल लेंथ ले लेनी है। इसमें मैंने निशान लगा लिए हैं। अब ऊपर से हम कट कर लेंगे इसको, नीचे से भी कट कर लेंगे। फ्लेयर इसका मैंने कट किया है 32 इंचेस का। ऊपर साइड हम 2 इंचेस की पट्टी लगाएंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। ये नेट लिया है, नेट को सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। नेट को कुछ इस तरह से मैंने पिन अप किया है। अब ऊपर से यहाँ से इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं। ये मैंने हार्ड नेट ली है, सॉफ्ट नेट आप बिल्कुल भी ना लें। इसको मैंने पिन अप कर लिया है अच्छी तरह से फोल्ड करके। अब यहाँ से हम 7-7 इंचेस के कुछ पीसेस कट कर लेंगे नेट के, 7, और यहाँ से भी हम 7 इंचेस पर मार्किंग करेंगे पूरा। ये मैंने 3 पट्टियाँ कट कर ली है, बाकी की पट्टियाँ हम बाद में कट कर लेंगे। अब सबसे पहले ये पट्टी लेंगे, नेट की पट्टी को हम इस साइड से रखेंगे, और यहाँ से इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से प्लेट्स बनाने हैं, और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको यहाँ से कट कर लेना है। कुछ इस तरह से प्लेट्स बना लेने हैं। अब इसको हम मेज़र कर लेंगे, यहाँ से 1/2 इंचेस लीव करते हुए इसको मेज़र कर लेना है। ये हमारा हो गया है 38 इंचेस का, 38 इंचेस का। ये मैंने पट्टी ली है 20 इंचेस की, तो सबसे पहले यहाँ से हम 19 इंचेस ले लेंगे
और यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मैंने पट्टी की है 1 इंचेस, तो यहाँ से हम इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। पट्टी को उल्टे साइड से रखेंगे, यहाँ से 1/2 इंचेस लीव करते हुए पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे इसमें। इसकी विड्थ मैंने 4.5 इंचेस ली है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके, फ्रंट साइड फोल्ड करके इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को कंप्लीट कर लिया है मैंने, अब इसका सेकेंड लेयर भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से रखेंगे कुछ प्लेट्स, हमें इस तरह से बनानी है इसकी, इस तरह से फोल्ड करके नॉर्मली जो हमारी लेयर है फर्स्ट लेयर के ऊपर ही रखते हुए प्लेट्स हमें इस तरह से बनाते जाना है पूरे में। और इसी तरह से हम और भी लेयर इसमें कंप्लीट कर लेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने इसमें 3 लेयर बना ली है और आप फ्लेयर इसका देख सकती हैं, 3 लेयर में ही काफ़ी इसमें फ्लेयर आ गया है। और ये यहाँ से हमारा छूट चुका है थोड़ा सा, फिर से हम पट्टियाँ कट करके इसमें यूज़ करेंगे। तो जो हमारा नेट बचा हुआ था उससे हम फिर से इसी तरह से पट्टियों को कट कर लेंगे, 7-7 इंचेस की पट्टियों को। तो चलिए हम कट कर लेते हैं अपनी नेट से इन पट्टियों को, 3 लेयर्स इसमें हम और यूज़ करेंगे तो ये हमारा टोटल पूरा हो जाएगा। 7-7 इंचेस की पट्टियाँ कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम पट्टी को जोड़ लेंगे, इसके ऊपर से ही हमें यहाँ से रखेंगे सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से सिलाई हम इस साइड करते हुए इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे। पूरा लेयर इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, पूरे फ्लेयर मैं इसको बना लेती हूँ। पूरा नेट इसमें मैंने यूज़ कर लिया है और आप फ्लेयर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम नेट को, जो हमारा जो नेट वाला फ्लेयर है उसको अटैच कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम नेट को मैच कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से इसको स्टिच कर लेते हैं। इसको मैंने जोड़ लिया है, अब हम अस्तर को जोड़ लेंगे। यहाँ से जो हमने 1/2 इंचेस लीव किया था सिलाई के लिए, इसको हम नेट को अंदर करेंगे और फ्लेयर में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नीचे साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे फ्लेयर में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसका लुक दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा, आप फ्लेयर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है। और ये मैंने डोरी ली है, डोरी को यहाँ से हम इंसर्ट कर लेंगे और इसको हम यूज़ करके दिखा देते हैं आपको। ये स्कर्ट वही है जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, और आप देख सकते हो काफ़ी फ्लेयर होने के बावजूद भी इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ये मैंने स्कर्ट पहन लिया है, अब इसके ऊपर से हम इस स्कर्ट को पहन लेंगे, ऊपर से ही पहनेंगे। इसको बांध लेते हैं, और इसका आप लुक देख सकते हैं आपके सामने है, काफी प्यारा लुक आया है और काफी कंफर्टेबल भी है ये पहनने में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट को बताएं वीडियो को कैसा लगा था।